Excuse me? No smoking here. जलाया तो नहीं ना? हेलो फ्रेंड्स, कल अजय देवगन सर की न्यू फिल्म का अनाउंसमेंट हो चुका है और ये फिल्म एक सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म रहने वाली है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विकास बहेल ने, वहीं पर फिल्म को प्रोड्यूस किया है अजय देवगन, अभिषेक पाठक और कुमार मंखत पाठक ने। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म का प्रोडक्शन हाउस है अजय देवगन फिल्म्स और पैनोरामा स्टूडियो। बताना चाहूंगा दोस्तों, इस फिल्म को लेकर हमारे पास एक और न्यू लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। सो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया है अजय देवगन सर की ये फिल्म गुजराती फिल्म बस का हिंदी रीमेक हो सकती है। वहीं पर इस फिल्म की शूटिंग के बारे में बात करें तो इस फिल्म की शूटिंग जून से स्टार्ट की जानी है, जहां पर इस फिल्म का पहला शेड्यूल मुंबई में स्टार्ट किया जाएगा, फिर इसके बाद मसूरी और मसूरी के बाद लंदन में इस फिल्म की शूटिंग की जाएगी। बता दूं दोस्तों, इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा 2024 के स्टार्टिंग में। वहीं पर दोस्तों बात करें इस फिल्म की अपडेट के बारे में, तो दोस्तों अजय देवगन सर की इस सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म में आर माधवन भी काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है अजय देवगन सर की इस फिल्म में आर माधवन भी काम करने वाले हैं और अजय देवगन पर से आर माधवन पहली बार इस फिल्म में काम करेंगे। आर माधवन इससे पहले विक्रम वेदा फिल्म में काम कर चुके हैं और विक्रम वेदा आर माधवन सर के करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म रही है। इसके अलावा आर माधवन की रॉकेटरी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छी हिट रही थी, और उसी तरह से अजय देवगन के साथ आर माधवन की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई करने वाली है। तो दोस्तों, इस फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की स्टार कास्ट पर भी काम स्टार्ट कर दिया है और इस फिल्म की लीडिंग स्टार कास्ट में फिल्म के दो लीड हीरो तो हो ही चुके हैं, यानी कि अजय देवगन और आर माधवन, और हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में फिल्म की लीड एक्ट्रेस भी फाइनल हो जाएगी। बताना चाहूंगा दोस्तों, जहां पर इस फिल्म की शूटिंग जून से स्टार्ट की जाएगी, तो वहीं पर फिल्म की शूटिंग लगातार 2 महीने तक चलेगी और फिल्म की शूटिंग अगस्त तक कंप्लीट की जाएगी। फिर इसके बाद अजय देवगन सिंघम 3 फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। हालांकि दोस्तों, आप लोग कमेंट कर बताना आप लोग इस फिल्म के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट कर जरूर बताना।